डीजीपी राजीव कुमार का बंगाल वासियों को संदेश, कहा मुहर्रम और उल्टा रथ यात्रा सहित सभी त्योहारों को मनाएं, लेकिन दूसरों को समस्या में या असुविधा में ना डालें। बता दें कि कल देश भर में मुहर्रम का पर्व मनाया जाएगा। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए डीजीपी राजीव कुमार ने एक कार्यक्रम में कहा कि मुहर्रम और उल्टा रथ जैसे त्योहारों को सभी लोग मिलकर मनाएं, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि दूसरों को कोई समस्या या असुविधा ना हो। पुलिस और प्रशासन हर तरह से तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारा नारा है, धर्म सबका अलग अलग लेकिन पर्व सबका एक। इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी लोग त्योहार मनाएं। किसी को कानून अपने हाथ में लेने का मौका नहीं दिया जाएगा। वहीं इस दौरान एडीजी मनोज वर्मा ने कहा कि दक्षिण 24 परगना में मिली सुरंग को लेकर कोई उत्तेजना फैलाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम इस मामले को हल्के में भी नहीं ले रहे हैं। कुलतली के मामले पर वर्मा ने कहा कि ये एक तरह का ठगी का रैकेट है। इसका सही आकार अभी नहीं बताया जा सकता, लेकिन हम इसकी जांच कर रहे हैं। आप लोगों को जो नो आई कांट स्पीक वन लैंग्वेज, देयर आर थ्री, आई व्हेनेवर आई स्पीक आई हैव टू स्पीक इन थ्री लैंग्वेज, इट्स वेरी डिफिकल्ट। हम लोग का जो ये धार्मिक अनुष्ठान है उसको हम लोग अच्छे ढंग से पालन करें, लेकिन पालन करते वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात हमको देखनी है, हम दूसरे किसी के सुविधा ना पहुँच सकें, हमको देखना है दूसरों का शुक्र ना हो। कई बार एक छोटे इंसिडेंट हो जाते हैं जिसमें दूसरे लोगों को परेशानी होती है। केवल इसी चीज़ को देखना, धार्मिक अनुष्ठान में सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग दूसरे का अशुद्धन हो, एंड हम आपका सब लोग अपना धार्मिक अनुष्ठान अच्छे ढंग से पालन कर पाए, इसके लिए पूरे ढंग से पुलिस और प्रशासन की तरफ से व्यवस्था करी गई है। अगर किसी तरह की भी किसी को असुविधा होती है, पुलिस कंट्रोल रूम और जो कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश कर गए हैं उनसे करेंगे। आज कुछ जगह उल्टा रथ का भी अनुष्ठान है, कुछ जगह मुहर्रम की प्रोसेशन भी है। हमारे स्टेट का ये रही है, पर यहाँ पर कभी भी किसी तरह का कोई जनरली पब्लिक कोई किसी में मनो जो है झमेला में नहीं करते, और वो किसी भी तरह की कोई प्रशासन से हेल्प चाहिए वो हम लोग को। थैंक यू। देखिए, हमारा ये डेली का काम है, इट इज़ ए प्रोफेशनल बिजनेस, वी डील विद इट। हम लोग इससे जो है अच्छे से निपटते हैं, एंड जो घटनाएं हुई हैं उनमें यदि पुलिस का एक्शन यदि आपके जाएंगे तो लगभग सभी जगह में जहाँ जहाँ पर कोई चीज़ नोटिस में आई है वहाँ पर प्रॉपर एक्शन किया गया है, प्रॉपर केस हुए हैं, प्रॉपर अरेस्ट हुए हैं। और मैं छोटा सा मतलब आपको अपडेट दे सकता हूँ कि जो आसनसोल रानीगंज में जो
डकैती हुई थी, उसमें अभी भी आज भी मतलब कल भी हमने एक उसमें जो अरेस्ट किया है बिहार से। तो इस पुलिस जॉइंटली विद द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दे आर डूइंग देयर जॉब एंड टुडे द चीफ सेक्रेटरी सर ही वाज डूइंग दिस एंड प्राइसेस हैव कम डाउन। So far arrest, I'll just check if there is a case registered and arrest. कोई चीज नहीं है सर, पर देख के बोलते हैं। What are cases? Yeah, who committed price rise? See, on this aspect, there are certain departments which are more competent than me. No, sir, please. Arrest figures. No, arrest. So, I'll let you know on that. Sir, how many cases? Sir, उन दो लिखे के घटना टक होते थे। अपना कि अब तक की भाव जाए, लेकिन बोरो कोनो रैकेट। See, it is very too early to say. We are looking into what was the purpose, why that structure is there. That is being investigated. Sir, Jagat Singh is a deep criminal, no reasons. We are taking all necessary. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.